साहब बिग बॉस में दूसरों के हिसाब से ही गेम खेलना होता है। हम हमारे प्रिंसिपल पे चल के भी शाइन कर सकते हैं। तो मेरे साथ एक ऐसे बिग बॉस की कॉन्टेस्टेंट है जिन्हें शो के बाद में भी याद किया गया है। हाय, मैं हूँ सदस्य कलानिया, आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा गुड में। और मेरे साथ में है स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट रिंकू धवन। हाय, थैंक यू। हाय, व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर थिंग? अबाउट माय थिंग, आई थिंक यू सेड इट वेरी राइटली। स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल, ऐसा नहीं कि गेम के हिसाब से और मुताबिक अपनी बातें रखना या अपनी सोच बदलना। मैं आई एम हु आई एम एंड आई विल नॉट बी व्हाट यू वांट मी टू बी। हाय, दिस इज रिंकू धवन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूस। सभी दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार एंड आई वांट टू थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन बिग बॉस। बस बिल्कुल वैसे ही और उससे ढेर सारा ज्यादा दुगना तिगुना मुनव्वर को और अभिषेक को सपोर्ट कीजिए एंड गिव देम ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। पहले तो मैम जानना चाहेंगे अबाउट योर जर्नी। काफ़ी मैच्योरली आपने खेला है, कामली खेला है, बहुत प्यार से खेला है। आपकी जर्नी किस तरीके से थी? एग्जैक्टली जैसे आपने डिस्क्राइब की, मैच्योरिटी से, कामनेस से और एक अंडरस्टैंडिंग से एंड इट वेंट वेरी वेल। और अब क्या बोले कि एक स्टेज ऑफ लाइफ में समझ में आ जाता है कि हर बात की जा सकती है और बात करने का तरीका सही होना चाहिए। तो आई थिंक वो तरीका मुझ में था एंड द रेस्ट वाज स्क्रीमिंग। व्हेन यू वेर इन अ हाउस तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि अरे कुछ गेम नहीं है, बस बातें हैं। तब आपकी फैमिली ने कहा था कि नहीं रिंकू ऐसे ही है, काफ़ी मैच्योरली। व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस ऑल थिंग? बट एक्चुअली जब मैं बिग बॉस के लिए मिली भी थी टीम से तो मुझसे कहा गया था लोग आपको देखना चाहते हैं, तो फिर मैं तो यही हूँ, यू नो, कूल, काम, मैच्योर, सेंसिबल एंड डेफिनेटली अगर आप मुझे एक पॉइंट के बाद ट्रिगर करेंगे तो यू विल सी दैट साइड ऑफ मी, जो एक पॉइंट पे मैंने वो भी दिखाया जब मुझे वहाँ तक लेके गए। आपने आपकी इवेक्शन के बाद एक स्टोरी लगाई थी कि एक और अनफेयर इवेक्शन होने वाला, रही मेरी बात तो ये अनफेयर नॉमिनेशन था। What do you want to say on the unfair nomination? I think it was very clear to everybody कि जब वो nomination की प्रक्रिया चल रही थी, जो phone call उठाना था अजमे पे, उठाया अभिषेक ने था, but ईशा captain थी और उन्होंने outrightly झूठ बोल दिया कि समर्थ ने उठाया, तो इसीलिए मैं उसे unfair nomination बोलती हूँ। वो fair तरीके से मेरा नाम आया होता, there is no problem कि मेरा नाम क्यों आया is not the question, fair and unfair was my thing। आपकी बॉन्ड की अगर बात करें तो आपके बॉन्ड कुछ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग थे कि आपके निकलने के बाद भी आपका वीकेंड के बार पर जिक्र हुआ है कि आज अगर रिंकू घर में होती तो वो अभिषेक के लिए लड़ जाती। तो इसमें मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि सबने ये एहसास किया कि मैंने रिश्ते कितने सच्चे बनाए। और मेरे वो रिश्ते इसलिए नहीं थे क्योंकि आप कौन हो या आपका बैकग्राउंड क्या है, पर आप इंसान क्या हो इस वजह से मेरी दोस्तियाँ बनी एंड चाहे आपका सही चाहे आपका गलत, एज अ फ्रेंड आई ऑलवेज कि यू नो आई एम वेरी हैप्पी कि सलमान सर ने, मेकर्स ने, काफ़ी मतलब सब लोगों ने रियलाइज किया कि मेरे रिश्ते उतने सच्चे थे। आप कौन हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, इससे मैंने अपने दोस्तियाँ नहीं बनाई और आपके सही और गलत पे मेरी दोस्तियाँ मेरे रिश्ते नहीं टिके थे। तो फिर आप सही हो या गलत हो, दोस्ती की है तो मैं निभाऊंगी, आपके गलत पे जरूर आपको टोकूंगी, समझाऊंगी। यही कुछ हाल जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि जब गलत हो गए समझाऊंगी, साथ रहूंगी, मुनावर के साथ देखा गया था जब मुनावर का लो फेस चल रहा था, यू वेर द वन, लाइक मनारा थी लेकिन आपकी कुछ बॉन्ड ही अलग थी। बात वही है ना कि मनारा की सेंसिबिलिटी और मैच्योरिटी और मेरी सेंसिबिलिटी मैच्योरिटी में डेफिनेटली वो फर्क है, तो मतलब मैं वही समझाऊंगी जो मुझे सही लगेगा। मतलब अपेरेंटली मैंने अभी सुना भी कि मुनव्वर ने कहा कि रिंकू जी बहुत यू नो जैसी थी सीधा मुंह पे थी, लाइक अगर आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपको कोई लॉलीपॉप नहीं दूंगी, यू नो, बट आई विल गिव यू योर ट्रूथ व्हाट इट इज फ्रॉम माय ओपिनियन, बाकी आप जानो आपके कॉन्सिक्वेंसेस है आपके सही गलत के। बट अगर आपसे जानना चाहे मुनावर एंड आयशा के रिश्ते के बारे में, ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है,
आप एज अ ऑडियंस या आप एज अ कॉन्टेस्टेंट इस पूरी चीज को किस तरीके से देखते हैं? आई डोंट थिंक इट इज वर्थ टॉकिंग अबाउट एनी मोर एज ऑफ टुडे वेयर वी स्टैंड व्हिच इज वेरी क्लोज टू फिनाले. एंड जैसे सलमान सर ने बोला भी कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विच हम डिनाई नहीं कर सकते, जो रियलिटी है. तो डेफिनेटली उसे वो अपॉर्चुनिटी मिली और वो उस प्लेटफॉर्म पे आई. सो रेस्ट इज हिस्ट्री एज वी से. उस पर ज़्यादा बात करके मुनव्वर को और मतलब ठीक है, शी वॉन्टेड टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म शी केम. बट डू यू थिंक इट इज़ वेरी रॉन्ग जब चीज़ें नेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई थी, जो भी था बिटवीन मुनव्वर एंड आयशा, सो ब्रिंगिंग दैट थिंग ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म इज अ वेरी रॉन्ग? ऑफकोर्स बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि सीधी सी बात है, आपने खुद आपके अल्फाजों में ये कहा है कि हमारे बीच में कोई कमिटमेंट नहीं थी. वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर, वी वर टुगेदर, वट एवर, यू नो, इट वॉज वेरी म्यूचुअल वट एवर इट वॉज. जहाँ उसने ये भी कहा कि मुनव्वर मुझे अपना 100% भी नहीं दे रहा था, ही वॉज देयर इन द रिलेशनशिप लाइक अ 60-40. तो फिर आपको ऐसी कौन सी सॉरी चाहिए थी जिसके लिए आप बिग बॉस के घर आके ये, और फिर आपको नॉमिनेट किया तो आप और कच्चे चिट्ठे, अरे उसका तो कौन हो भाई, तुम अपनी बात कर रहे हो, अपनी बात करो. एंड नॉट ओनली दैट, घर में आके एक सॉरी के बाद पूरा रिश्ता बदल गया, फिर भी ठीक हो गई. हाँ, तो तुम क्या नॉमिनेशन की वेट कर रही थी या अदालत की वेट कर रही थी? तो जब आपको एक सॉरी चाहिए थी, जो सलमान सर ने बोला आपको जब सॉरी मिल रही तो आपको चले जाना चाहिए था. और फिर ऐसी क्या सॉरी थी, तुम बाहर वेट कर सकती थी ना, महीने भर में वो नंबर आ ही रहा था. इतना क्या उतावलापन हो रहा था, जो एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड नाजिला थी 2-3 साल से, वो अंदर नहीं आई, तुम 2 महीने की गर्लफ्रेंड अंदर आ गई. तो फिर तो एजेंडा क्लियर है ना, वो नंबर तो एक बहाना था. क्या आपको ऐसे लगता है, लाइक जब हमने कल का एपिसोड देखा, जो लड़ाई हुई है मुनव्वर और विक्की की, उसके बाद चीज़ें ऐसे दिख रही कि अब मुनव्वर अभिषेक बन गए, अभिषेक मुनव्वर बन गए इन टर्म्स ऑफ एंग्री? नो, यू शुड नॉट बी सेइंग एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि अगर आप अभिषेक की जगह होती और आप नॉट माई ओपिनियन, इट्स ऑडियंस ओपिनियन, इन जनरल आप बोल रही हो, वो आप कोई भी सवाल कर रहे हैं ये उन पर, कि अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं, झगड़ा करे, कुछ भी करे, कोई ऐसे टिंगल करेगा, हाथ मस्ती करेगा, मुंह में टिश्यू डालेगा, जो भी करेगा, कंबल फेंकेगा, तो किसी भी इंसान का एक रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है. जो अभिषेक का हुआ, जो मुनव्वर का हुआ, वो ये था कि मुनव्वर पेड़ पे चढ़ा हुआ था, वो गिर के उसका सिर फट सकता था, अगर आगे की तरफ गिरता तो लकड़े की बेंच थी, माथा फट सकता था, कैसे गिरता, कमर, कोई हड्डी टूट जाती. विक्की डिडंट केयर अबाउट एनी ऑफ दिस एंड ही जस्ट पुल्ड मुनव्वर ऑफ दैट ब्रांच से. तो फिर मुनव्वर का रिएक्शन कैसे गलत रहा? एंड काफी लोगों ने ये बात भी बोली है सोशल मीडिया पे कि जिस तरीके से अभिषेक को धक्का लाफा मारने पे और कॉलर पकड़ने के टाइम पे इतने बड़े इश्यूज हुए थे, घर से निकाला गया है, तो फिर मुनव्वर को भी निकालना चाहिए था विक्की को मारने के लिए, विक्की को धक्का देने के लिए. मुनव्वर ने विक्की को धक्का कर दिया, लाइक मुनव्वर ने शायद गला पकड़ा या धक्का दिया कल के एपिसोड में, जो पेड़ से नीचे खींचा और गिराया, उसका क्या बात वही है, एक एक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है. क्या एक्शन मुनव्वर का था और रिएक्शन विक्की का? एक्शन विक्की का था और उसके रिएक्शन में मुनव्वर ने ली. आपने देखा उसे? आपने उसे 3 बार और देखिए तो आपको रियलाइज होगा सिर्फ मुनव्वर का ऐसे नहीं था, अच्छा मैं यहां से कूद रहा हूं और मैं इस पॉइंट पे कूदूंगा, इट वॉज अ पुल. नाउ यू व्हेन यू नेक्स्ट टाइम सी दैट वीडियो, उस वीडियो को गौर से देखिए, वो 1 फुट की जो टेबल रखी है उसके आगे लकड़े की बेंच है जिसपे लोहे के सपोर्टर्स है और पीछे जिसपे वो पेड़ है सीमेंट की गुलाई है और 1, 2, और 3 ऑब्जेक्ट्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है. अगर मुनव्वर केयरफुली लैंड नहीं करता, आगे की तरफ गिरे या पीछे की तरफ, उसको इतनी बुरी तरह गिरती लगती सॉरी, तो डेफिनेटली जिस तरह वो आया वो और वो लक्का, इफ यू विल सी, इट वाज अ वेरी बैड रिफ्लेक्स रिएक्शन ऑन एन एक्शन दैट विक्की डिडंट थिंक. और वो बोल भी रहा है मैं गिर जाऊंगा, मुझे मैं गिर जाऊंगा विक्की, आप समझ रहे हो? तो ही वो इज टेलिंग यू आई फॉल, स्टॉप डूइंग इट, बट यू डिड, यू डिडंट लिसन टू हिम. तो फिर सॉरी, अगर यहाँ पर एक्शन रिएक्शन बिग बॉस का अगर किसी पे आना चाहिए तो फिर इट शुड बी टू बिगिन विद विक्की,
नॉट मुनव्वर। ये सीजन से पहले भी सीजन में हमने देखा है कि किस तरीके से टॉर्चर टास्क के टाइम पे जो अपोजिशन टीम रहती है वो चीज़ें छुपा देती है, लेकिन इस तरीके से गायब नहीं करती है जैसे उन्होंने एकदम फेंक दिया था। इन लोगों की फट गई ना, हाँ, स्किन ट्रीटमेंट्स जो इतने महंगे महंगे, हेयर ट्रीटमेंट जो इतने महंगे महंगे करते, खराब हो जाएंगे। एंड अपना वो कहते ना, हम करें तो रासलीला, आप करो तो कैरेक्टर लीला। आपने किया तो सब ठीक था, आप पर जब आने की बारी आई तो आपकी इस कदर फट गई, इस कदर आप हार मान गए, तो क्या वो आपको बेबी लोशन लगाते हो उधर? What do you want to say about torture task? Torture task? What about that? किस तरीके से होना चाहिए या नहीं? किस तरीके से मुनावर ने खेला है, मनारा, अभिषेक, अरुण ने खेला है, जो they did a commendably good job यार। देखो आप और हम तो वहाँ है नहीं to understand the severity of, हम अपने मुंह पे जाके लाल मिर्च हल्दी गरम मसाले तो लगाएंगे नहीं ना। तो भैया I think all four of them did a commendable job। और जो ये डायरेक्ट नॉमिनेशन की प्रथा हो गई है, ये तो हमेशा बिग बॉस का है, आप खेलो यू नो, एक एक रन मारो, चौके मारो, छक्का मैं ही मारूंगा, सेंचुरी तो फिर बिग बॉस ही मारते हैं ना। डेफिनेटली बिग बॉस का गेम है। बिल्कुल। ओके, अगर हम बात करें अंकिता एंड विक्की की, इनके जो रिलेशन है घर में काफ़ी फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं। जब अंकिता की सास घर में आती है, काफ़ी बातें बताती है, अंकिता का ब्रेकडाउन चल रहा है। What you want to say? Because you were there, you know the reality of them. See, I honestly think कि ये दोनों बहुत ही अब जैसे जैसे मैं भी episodes देख रही हूँ, definitely उसका एक culmination of thoughts करके भी, और जो मैं नहीं हूँ, definitely दोनों strong individuals हैं, और egoistic है, dominating है, दोनों के अपना बहुत strong thought process है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज डेफिनेटली वो चीज नहीं है। एंड तो अभी आंटी जी के आने से भी आंटी जी ने जो बोला है कि भाई ऐसे करती हो वैसे करती हो, तो आई थिंक ये समझाना आंटी जी को दोनों को चाहिए था, सिर्फ एक को नहीं, दोनों को लागू होना चाहिए था। डांट दोनों को पड़नी चाहिए थी, शाबाशी भी दोनों को मिलनी चाहिए थी, दैट काइंड ऑफ। दोनों की रिश्ते हैं, दोनों ने निभाए। जैसे वो खुद ही बोलती हमारे घर के बच्चे, तो फिर दोनों को बराबरी का मिलना चाहिए था। अंकिता की सास की अगर मैं बात करूँ, विक्की की मॉम की, तो जब वो फर्स्ट टाइम घर पे आई थी, उन्होंने जब बातें की थी तभी बाहर उनके मीम्स बन गए थे, दी विलेन, डेली सोप की सास, टिपिकल यार, हमारी इंस्पिरेशन है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्हें देखकर टीवी पे, और उनके वो सारे मीम्स वगैरह, मुझे बड़ा मजा आया यार। She's so cool. You said inspiration, so real life for my real characters. Life. I'm an actor, don't forget. Yeah. The characters that I do, मुझे हमेशा लगता था ऐसे किरदार बड़े fictitious हैं, देखने वाले ये तो real है। So definitely, it was fun watching it, and I was laughing. I was really laughing at everything that she was doing. I think she's damn funny. मुन्ना की अगर बात करें तो मुन्ना ने समर्थ को कहा था लाला टनल तक छोड़ के आऊंगा। हाँ, टनल तक छोड़ के। तो क्या वाच, विक्की का टनल का रास्ता आपको क्लियर दिख रहा है? लग तो रहा है ऐसा ही। ओके, क्या लाइक अब तो हो ही गया कि विक्की नॉमिनेट है, क्योंकि जब बोल दिया टनल तक छोड़ना है तो इवेंट तो हो ही गया है ना। हाँ, चलो वो तो ये नहीं बोल सकते ना, पता था तो इनके आपस की झड़प में मुन्ना ने ये बोला, और फिर जो बिग बॉस ने बोला, और फिर जो ये नॉमिनेशन हो, तो फिर रास्ता लग ही रहा है कि टनल का दरवाजा खुल जाएगा। ओके, व्हाट यू वांट टू से, हु विल बी द टॉप 5? चार तो ये हैं फाइनलिस्ट, एड ऑन में अंकिता हो सकती है। अंकिता की अगर बात करें तो अंकिता ने काफ़ी वक्त सुशांत का जिक्र किया है घर में, जिसको लोगों ने कहा कि अरे ये क्यों कर रही है, सिंपैथी के लिए कर रही है, या किसी ने कहा है कि भाई इतने साल का प्यार था, ऐसे बुलाया तो नहीं जाएगा ना, बात तो होगी। तो व्हाट यू वांट टू से, वो किस लिए था? मुझे नहीं पता वो किस लिए था, बट विक्की की मम्मी ने और अंकिता की मम्मी दोनों ने भी इस बात का जिक्र किया इन दी एंगल की बहुत ज्यादा बात हो रही है, विच इज नॉट इन अ वेरी हैप्पी जोन, कि इतनी बातें क्यों कर रही हूँ। तो मुझे लगता है एक माँ से बेहतर अपनी बेटी को कोई नहीं जान सकता, या उसके अच्छे और बुरे को एक माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता।
सुशांत की बहन ने सपोर्ट किया है अंकिता का उनकी। देखो बात बात वही है, अगर हम ये कह रहे हैं कि वो सुशांत सिंह को याद करे तो सुशांत सिंह ने कुछ गलत ऐसा कुछ है नहीं, as you know, God bless soul, with due respect to the family, कुछ गलत नहीं बोल रही, तो obviously they're feeling nice that their brother's being remembered, you know, so definitely it's a cheers and thumbs up and whatever you may say. But at the same time, when it comes to Ankita, her husband, her in-laws, तो फिर चीजें एक अलग एंगल से देखी जाती है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जो ये कह रहे हैं चलो यार यू नो इतने सालों बाद भी वो याद कर रही है, या एक पहलू ये कह रहा है कि क्या जरूरत है इतना याद, तो दोनों पहलू गलत नहीं है। तो इनफैक्ट ये भी था कि भैया यू नो मतलब हाँ मैं शायद उस पहलू में हूँ, मैं ये नहीं कहती कि भैया ये तो बहुत ही गलत, नो दैट्स नॉट माई टोन, माई टोन इज वाई एंड विद अ सिंगल पर्पस, your husband is on a show, you have a blessed life, your family, your in-laws are watching, will they appreciate all this? And ये तो चलो हमारा thought है ना, हमने तो कहीं नहीं डाला, but अब उनकी दोनों mothers आके भी तो वही angle से बात कर रही हैं, with no you know ऐसा नहीं कि किसी और पे हम कुछ गलत सुशांत पे कुछ गलत सोच या विचार रख रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं यार, but you should know where you come from. The kind of family, you know, कि भाई strict है या जो भी आपका परिवार जैसे है, with that angle, और कोई गलत ऐसा कुछ नहीं कि oh why, कोई लालचन लगाने वाला tone नहीं है किसी, मेरा तो नहीं, I don't know about anybody. मनारा की मैं बात कर रही हूँ, तो जिस तरीके से आपका और मनारा का रिश्ता घर में दिखा था, मैच्योर एंड इमैच्योर का क्लैश, अब किस तरीके से आपको मनारा का गेम लग रहा है? Honestly, Manara is that I really don't know what she is because मुझे नहीं लगता उससे भी समझ में आता है, क्योंकि वो कई बार ऐसी बात करती है कई बार वो वैसी बात करती है, तो to actually decode her is a thing and now I have given up as in now I don't want to decode Manara anymore or understand Manara anymore. I've met her in the game and we clicked off in the game, we clicked on in the game, we clicked off in the game and it's over. Okay. मुनारा के लिए क्या कहना है, लेकिन इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी जो किसी भी वजह से नहीं चल पाई, दोनों के बीच में क्लैशेस आए, लेकिन स्टिल जब भी ज़रूरत होती है दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। सो आई थिंक दे नो कि जब ज़रूरत है हम एक दूसरे के साथ हैं, और बस, और मुनारा को तो वही चाहिए, मेरी ज़रूरत है पूरी, मुझे वक्त दो, मेरे से बात करो, मेरे से टाइम पास करो, मस्ती करो, तो जब तक उसकी वो चेकबॉक्स टिक हो रहे हैं ऑल इज गुड, उससे उसकी हाँ में हाँ मिलाओ ऑल इज गुड, जहाँ उसकी हाँ में हाँ ना मिलाओ तो शी सेज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तो फिर सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू रैक माय ब्रेन्स ऑन मनारा और मुनारा एनीमोर, वो मुनव्वर जाने और मनारा जाने, इनकी दोस्ती जाने, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। या आपने ये बात कही भी थी कि मनारा का है कि उसे अटेंशन दो, एंड आपने मुझे ये चीज़ अभी नहीं समझाई, लेकिन ये जो पूरा सीजन समझाया उसका क्या एक चेकलिस्ट चाहिए मनारा को? अगर एक चेकलिस्ट है कि भाई अगर अगर आप बात भी कर रहे हो तो वो ये नहीं देखती है कि ये दोस्ती, ये रिश्ता, यू नो ये हमारा है, वो ये देखती है तो आपको मुझसे दोस्ती करनी है, तो फिर आप ये करोगे, तो फिर आप वो करो, मतलब ऐसा होता है कि डू आई नॉट हियर टू यू नो टेक द चेक बॉक्स, इट्स अ फ्रेंडशिप, इट्स अ गिव एंड टेक, डेफिनेटली यू कैन एग्जॉस्ट मी बिकॉज ऑफ योर डिमांड्स एंड कंडीशंस अप्लाई, लाइक आई सेड यू सेड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था मनारा को, जी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि मनारा को संभालना पड़ेगा, नहीं मुनव्वर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था आई थिंक सो, चलो मुनव्वर को तो एक पॉइंट बिग बॉस ने इंस्ट्रक्शन भी दिए, तो करता क्या ना यू नो मरता क्या ना करता जैसे बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या लगता है बिग बॉस के घर में आस्तीन का सांप कौन है? कोई है बचा या सब निकल गए? उसमें तो कोई आस्तीन का okay. समर्थ हो सकता है। okay. मगरमच्छ के आंसू फिलहाल तो मुझे
अंकिता लगे डबल ढोलकी बना राजा नेक्स्ट रानी राजा मान राजा को हो सकता है इक्का हाँ ठीक है आप बोल दीजिए पूर्ण हमारा अभिषेक ओके रानी तो उस घर में कोई है नहीं एक चज की लड़की नहीं लाए बिग बॉस जो ढंकी थी उसे निकाल दिया ये बाकी तीन जो घर में कितनी तीन मनारा तो अपने ही ट्रिप पे है और बाकी तीन जो घर में है मतलब के रिश्ते चार अंकिता ईशा आयशा एंड मनारा मतलब के रिश्ते इनके चेक बॉक्सेस क्लियर हो तो अंकिता एक तरफ मुनव्वर को बोलती है कि मैं दोस्ती से पीछे हट रही हूँ ताकि मुझे तुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही है एक्सपेक्टेशन ही नहीं है और अभी वही अंकिता मुनव्वर की जान के पीछे पड़ रही है दोस्ती दोस्ती के नारे लगा के आयशा तो एक एजेंडा से आई थी जो एजेंडा उसका चल ही रहा है और ईशा ईशा का बेसिकली वही है हर मुद्दे में कूदना चाहे उसे अक्ल हो या ना हो उस बात की बट मुझे मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए चार लोगों में ईशा की आवाज़ आनी चाहिए और मनारा तो चेकबॉक्स का है भाई जब तक मेरे कंडीशंस अप्लाइड हो रहे हैं और कंडीशंस फुलफिल हो रही है ऑल इज वेल कौन एक नॉमिनेशन आता है तो मनारा और आयशा जैसे लड़कियाँ हिल जाती हैं एक नॉमिनेशन में तो फिर ये देखो अंकिता भी हिली पड़ी है ये जो भी नॉमिनेशन हुआ है ये टास्क में काफ़ी ढंग की लड़कियाँ हैं कम से कम लड़के तो ढंग के आए हैं अभिषेक मुनव्वर विक्की ऑल्सो फॉर दैट मैटर से अरुण जी अगर मैं आयशा की बात करूँ तो आपने नोटिस किया हो या नहीं लेकिन वही आयशा थी जिसको अभिषेक ने एक्सपोज किया था मुनव्वर के सामने लेकिन आज उनका ही बॉन्ड घर में स्ट्रांग नजर आ रहा है यार क्या होता है ना उस घर में रिश्ते हालात सिचुएशंस बदलती रहती है तो आप जो देखते हो वो आप सवा घंटे का एपिसोड देखते हो पर उस 24 घंटे में तो बहुत कुछ होता है लड़ाई भी हुई होगी तू तो मैं हुई होगी बैठ के समझा समझी की होगी दूसरे को बहुत कुछ होता है आयशा ने जिस तरीके से कल के टास्क में लाइक टॉर्चर टास्क में कहा था तो क्या ऐसे ही तुम्हें जाने दे मुझे फाइनल में जाना है मेरे को शो में आगे तक जाना है सो डू यू थिंक एक एजेंडा लेके आना एंड आपको कोई लेना देना भी नहीं है गेम से बट नाउ यू आर क्लेमिंग इट आपको विनर बनना है इज इट राइट इज इट डिजर्विंग नो डेफिनेटली नॉट डिजर्विंग बट एजेंडा लेके आई हां बट डेफिनेटली नॉट डिजर्विंग ऑन व्हाट ग्राउंड्स इज शी डिजर्विंग आपके अगर हम बात करें काफ़ी वक्त पहले से आपको हम देखे हैं टेलीविजन पे नाउ बिग बॉस अब व्हाट नेक्स्ट एंड हाउ वाज योर जर्नी दिस टेलीविजन टू रियलिटी शो वेरी डिफरेंट बाबा टेलीविजन में तो वही है कि हम किरदार करते हैं यू नो लिखे लिखाए डायलॉग्स हमें बोलने पड़ते हैं यहाँ पर तो हम खुद ही थे खुद की समझ दूसरों को पहले तो दूसरों को समझना how they are, how they think, you know, to be careful about what you're saying, because, you know, भाई अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ जो आपको सही लगे आपके बाजू में बैठे इंसान को गलत लगे तो you know you have to, that is me, you have to be very mindful when you're talking about anything or everything, and बाकी हाँ जो जो आपने जैसे मुझे आपने शो में देखा that is me in real life, so it was a beautiful journey from real to real. But looking forward to going back to my real life and as soon as there's a good news, the process is done. I shall definitely tell that good news to everybody. Fans will be waiting eagerly. I am waiting eagerly to give that good news. Okay, lastly, kya trophy dongri aayengi? Trophy dongri aayengi? Aa sakti hai. Bahut zyada chances hai. Number bahut strong player hai. मुझे ना टॉप टू में सलमान खान सर के लेफ्ट और राइट में मुनव्वर और अभिषेक नजर आते हैं मेरे लिए वो दोनों मेरे दोस्त हैं मैं उनकी फैन नहीं वो मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्तों में मेरी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है फॉर मी बोथ आर इक्वल फॉर मी आई एम क्लोज इक्वली टू बोथ एंड दे आर इक्वली क्लोज टू मी दोनों की अलग पर्सनैलिटीज है पर हमारा क्या कहते हैं इक्वेशन सेम है तीनों का आपस में तो मेरे लिए फर्स्ट और सेकंड नहीं है मुनव्वर अभिषेक में तो मेरे लिए ये फिनाले तक ऑलरेडी चले गए फिनाले वीक में आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम
बस अब ये दोनों को मैं सलमान सर के लेफ्ट और राइट में देख लूँ, फॉर मी इट इज अ विनिंग सिचुएशन, बाकी जिसका भी हाफ इट है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।